हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलएनटी के इंडियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जहां पे अपीयरिंग कैंडिडेट और परस्यूइंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या किस प्रकार का ये प्रोग्राम है, देन यहां पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है एलएनटी बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसका क्या हाईलाइट्स है इनके बारे में। तो बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है आपको स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें जो है आपको 2 साल का फुल टाइम एमटेक कराया जाएगा इन द कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एलएनटी के द्वारा। और ये जो एमटेक होगा आपको कहाँ से कराया जाएगा, ये जो एमटेक है आपको आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी त्रिची, यहाँ से जो है आपको एमटेक कराया जाएगा। तो जो इसमें जितनी भी फ़ीस लगेगी वो सारा फ़ीस जो है एलएनटी बॉर्न करेगी। देन यहाँ पे जो है आपको जब आप ये प्रोग्राम करोगे तो इस प्रोग्राम के लिए पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद जब आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो तब आपको ये प्रोग्राम करने का मौका दिया जाएगा। तो उस प्रोग्राम का ये हाईलाइट है। तो उसके दौरान जो है आपको स्टिपेंड भी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। स्टिपेंड जो है लगभग 13,000 का स्टिपेंड जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे प्लेसमेंट की भी सुविधा जो है दे रहा है आपको एलएनटी, प्लेसमेंट ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जैसे ही आपका यहाँ पे एमटेक का कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको जो है यहाँ पे प्लेसमेंट का भी मौका देगा एलएनटी अपनी कंपनी में। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपके सब्जेक्ट से होगा, यानी कि इसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। और देन यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा कंडक्टेड बाई द आई आई टी एंड एलएनटी। तो इसके बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल टेस्ट। इसके बेसिस पे आप जो है कोई ये जो एमटेक प्रोग्राम है वो करने का मौका दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैलेंडर या फिर इस फॉर्म की डेट की बात करते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है, पहली बात तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर से पहले। आपको कैंडिडेट को जितने भी जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ से रजिस्टर कर देंगे, मैं बताऊँगा कहाँ से रजिस्टर करना है। देन यहाँ पे जो है एग्ज़ाम डेट भी दे रखा है, तो एग्ज़ाम डेट जो है आपका 24 फरवरी 2019 दे रखा है। देन इंटरव्यू की डेट जो है आपका दिया हुआ है कि फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल, मार्च के चौथे वीक और अप्रैल के सेकेंड वीक के बीच में जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है। जो फाइनल रिजल्ट है आपका मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और जो ज्वाइनिंग है आपको जुलाई से यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो है इसका कैलेंडर हो गया, एक इंपॉर्टेंट डेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, यहाँ पे जो फाइनल ईयर्स के बी बीटेक के कैंडिडेट हैं, बात की जब ब्रांच की तो सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, उनके 65% होना चाहिए टिल 6 सेमेस्टर। ध्यान रखिए टिल 6 सेमेस्टर जो है 65% होना चाहिए। देन यहाँ पे ओनली जो है 2019 के परस्यूइंग कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, 2018 के पहले के कैंडिडेट या फिर 18 के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एलएनटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो एलएनटी की वेबसाइट पे आप जाओगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर जाएगा, तो वहाँ पे जाओगे तो कैरियर को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैरियर को क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो है आप नीचे जाओगे, करंट ओपनिंग के और नीचे जाना, यहाँ पे देखिए विल इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल के आएगा, जहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसको अब फॉर्म को फिलअप करने की बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है यहाँ से। तो आप जो है इसके नीचे जाना, नीचे जाओगे तो यहाँ पे ज्वाइन अस नाउ आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई, इसको आपको क्लिक करना है। और इसमें जो भी डाटा आपसे पूछा गया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का जो है नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछेगा। तो पहले कुछ इस तरह का टैब खुलेगा, उसको क्लोज करके जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा है उसको आपको सबमिट कर देना है। और जो भी सबमिट करने के बाद जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट डेट, वो इंपॉर्टेंट डेट को आप ध्यान रखिएगा। उसमें जो है जब आपका इंटरव्यू दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई है, तो उस चीज़ों को आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी शेयर करें, क्योंकि ये जो है अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए है। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।